सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। शॉर्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ स्टेप इन के रिगार्डिंग, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कल की कुछ कैलकुलेशन भी मिस्टेक थी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा रीकैलकुलेट करके सारा का सारा सिनेरियो समझाना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी सारे एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं फ़िलहाल करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन फिलहाल ये है, हमने एंट्री करी थी फॉर एग्जांपल 2nd of April को हमने स्टेप इन के अंदर एंट्री करी थी, लगभग हमारे पास हो चुके हैं 44 डेज के आसपास, अभी तक हमारे को सबको 54 डेज हो चुके हैं, इनफैक्ट 54 डेज के अंदर अभी तक हमारे को सबको पैसा रिकवर हमारा हो जाना चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन डे नंबर 1 एवरी सिंगल डे डू द कन्वर्जन, डू द USDC कन्वर्जन, यू टेक योर मनी बैक। अगर आपने वो किया है तो GST $5, $6, $7, $9 भी गया, उसके बाद $5 बहुत टाइम तक रहा, फिर $3 रहा और 3 से 4 के बीच में वो बहुत टाइम तक रहा, फिलहाल अब वो वहाँ से उस लेवल से गिर रहा है। तो अब हमारे को क्या नई एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो आप लोग पहले तो समझ लो। स्टेप इन के अंदर अगर आप एंट्री करते हो और अगर आप 30 दिन के अंदर अपने पैसे को रिकवर कर लेते हो, जो कि आप में से सभी लोगों ने कर लेना चाहिए अभी तक, अगर आपने मेरे साथ एंट्री करी थी, और अगर आपने मेरे साथ 15 दिन बाद भी एंट्री करी थी, यानी कि मैं 2nd of April की बात कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन करा, आपने 15th of April को भी ज्वाइन किया था, तब भी आपका अभी तक फंड रिकवर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ को मानता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को फर्स्ट एंट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट एंड फ़ायदा मिलता है, बिकॉज अगर आप अर्ली एंट्री ले लेते हो तो हमारे को बिकॉज ऑफ दैट हाई रेट्स मिले और हाई कन्वर्जेंस मिले, जिसकी वजह से हम लोग बहुत स्पीड पे रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें राइट नाउ, अगर आप इसके अंदर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, तो मैं आपको थोड़ी सी सिनेरियो समझा देना चाहता हूँ और कैलकुलेशंस में भी आपको दिखाऊंगा कि फिलहाल रेट चल रहा है लगभग, अगर मैं बात करूँ GST का, नियर अबाउट, लेट अस सी, GST इज राइट नाउ $2.30, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर दोबारा $3 हो जाए, 3.5 हो जाए, और हो सकता है $1.50 भी हो जाए। अब स्टेप इन के अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये हो सकता है 2.30 के ऊपर आप शायद 30 डेज के अंदर अपनी रिकवरी कर रहे हो, अगर वो हाफ हो जाए यानी कि 1.15 हो जाए तो आप अपनी रिकवरी 60 डेज में करोगे। अगर आप रिकवरी 60 डेज में करोगे तो आप सिंपल सी चीज़ देख लो, यहाँ पे समझ लो कि अगर आपने यहाँ पे 50 डेज अपने दे दिए वॉकिंग करके और अपना पैसा वापस लेने में, तो उसके बाद आपका जो शूज़ है उसको अगर आप बेच देते हो तो आप उसी टाइम नियर अबाउट 2x पे यहाँ पे बैठते हो। तो इट इज़ योर स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि आपको लगातार इसमें वॉक करके पैसा कमाना है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर श्योर, या हर ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जैसे एक्सी इन्फिनिटी था या कोई भी गेमिंग प्रोजेक्ट है, सबके अंदर सेचुरेशन ज़रूर आता है। सेचुरेशन कब आता है? जब वो एक हाइट के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी सिर्फ 4 मिलियन 5 मिलियन यूज़र तक पहुँचा है और अभी बहुत ज़्यादा दुनिया तक पहुँच सकता है, जिसको पहुँचने में 1 महीना 2 महीने 3 महीने और लग सकते हैं। तो धीरे 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 यहाँ पे भी सेचुरेशन ज़रूर आएगा। तो मेरा एक ही मानना है आप लोगों के लिए कि इसके अंदर मैं तो फिलहाल अपने आप को रेजिडुअल इनकम की तरह इसको समझ रहा हूँ, बिकॉज मैं डेली वर्क कर रहा हूँ, डेली अपने पैसे को विड्रॉल कर रहा हूँ, डेली कन्वर्जेंस कर रहा हूँ एंड मेकिंग अ रेजिडुअल इनकम आउट ऑफ इट, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो अब आउट हो चुकी है। BNB के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी आज से 7 दिन पहले, और 7 दिन पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी नियरली आउट इसलिए हो गई है क्योंकि BNB जब मैंने एंट्री करी थी $10 के रेट पे था GST, लेकिन वहाँ हो गया वो $28 तक और मैं हर रोज कन्वर्जन करता रहा, तो मेरी एवरेज बैठी लगभग $21-22 के आसपास, तो मेरे लिए तो काफ़ी हद तक रिकवरी उसमें हो चुकी है। अब आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर जाके, और आप लोगों से इतना बताना चाहूंगा जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिसीजन खुद का लो उसके अंदर कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है। मेरा रिस्क एपेटाइट था तो मैंने सबसे पहले आज डिसीजन लिया कि मेरे को इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी करनी है तो वो पहले दिन करनी है, मेरे को 50 दिन बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिकॉज ये चीज चोट, इसको हम कह सकते हैं, इस चोट को हम बहुत पहले लगभग 3 साल पहले 4 साल पहले 5 साल पहले मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में खा चुका हूँ, जहाँ मैं लोगों को देखता था क्या हो रहा है कैसे होगा समझता था, उसके बाद अपनी एंट्री लेता था थोड़े अमाउंट की, फिर और जब थोड़ा पैसा कमा लेता था तो बड़े अमाउंट की एंट्री लेता था। इस बार क्योंकि ये सारा कुछ एक्सपीरियंस हमें आ चुका था तो मैंने आपको कहा जो करना है शुरुआत में करो और उसको सबसे ज़्यादा उस पर प्रॉफिट बनाओ। फिलहाल चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाके, रीकैलकुलेशन करी है और मैं आपको सारी कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा, बिकॉज वन शूज़ के साथ स्नीकर अगर हम लेते हैं सोल का, अगर हम लेते हैं BNB का, और 9 शूज़ लेते हैं अगर हम सोल का, कितने दिन में रिकवरी हो सकती है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और आप लोगों को यही कहूँगा अगर आप अभी एंट्री ले रहे हो तो यस,
आपको हो सकता है 30 दिन लगे रिकवर करने में, हो सकता है रेट बढ़ जाए तो 25 दिन लगे, 20 दिन लगे, और हो सकता है रिकवरी करने में 60 दिन लगे, 80 दिन लगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, तभी आप उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप वो नहीं कर सकते और इतने दिन लगातार वॉक नहीं कर सकते और आपको पेशेंस नहीं है आप में, तो एंट्री मत दीजिएगा। तो डिसीजन इज ऑल योर्स। अब चलते हैं, जरा जान लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस को। सो गाइस, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने करी है यहाँ पे। वन कॉमन सोल स्नीकर की अगर मैं बात करूँ तो एक स्नीकर हमारे को पड़ता है 12 सोल का, और अगर मैं बात करूँ 50 से उसको मल्टीप्लाई करूँ जो कि सोल का फिलहाल प्राइस है, तो $600 हमारी पॉकेट से लग जाते हैं। दो एनर्जी हमारे को मिलती है इस शूज़ के साथ, इस स्नीकर के साथ 10 टाइम हमारे को पैसे आते हैं इस टोकन के। डे वन को अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 12 GST 1.2 GST हर मिनट का आता है, यानी कि 12 GST मेरे को आता है एक दिन में। 6 मैं दे देता हूं अपग्रेड करने में लेवल 6 के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मैंने जो शूज लिया है वो लेवल 5 का लिया है, तो 6 GST जो है मेरे पास बच जाते हैं, क्योंकि मैं रिपेयर नहीं कर रहा हूं इस दिन, और मेरा अब रिपेयर शूज जो है वो 93 पे पहुंच गया है 100 में से। डे 2 को सेम 12 GST आते हैं, 7 अपग्रेड कर देता हूं, 5 GST बचते हैं, मैं अभी भी रिपेयर नहीं कर रहा हूं। डे 3 को मैं 13 GST आते हैं, क्योंकि अब एफिशिएंसी मैं बढ़ाता जा रहा हूं और मेरी एफिशिएंसी 8 से बढ़ गई है, तो 13 GST मेरे को आते हैं, 8 मैं अपग्रेड कर देता हूं, 5 GST मेरे को बच जाते हैं, मैं रिपेयर अभी भी नहीं कर रहा हूं, और मेरा अब शूज पहुंच गया है 78 आउट ऑफ 100 पे। डे 4 14 GST मेरे पास आते हैं, 9 मैं अपग्रेड के लिए दे देता हूं, 5 GST मैं फिर भी बचा लेता हूं, और अभी भी मैं रिपेयर नहीं कर रहा, और मेरा शूज पहुंच गया है 4 दिन के अंदर 70 आउट ऑफ 100 के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक 8 एनर्जी को यूज कर लिया है। डे 5 को मैं कोई अपग्रेड नहीं करूंगा, कोई रिपेयर नहीं करूंगा। डे 6 को मैं कोई अपग्रेड नहीं करूंगा, कोई रिपेयर नहीं करूंगा, और मेरे को मिलेंगे 15 GST 15 GST। मेरा शूज पहुंच चुका होगा 55 आउट ऑफ 100। अब यहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगी रिपेयर करने की, तो डे 7 को मैं वॉक करूंगा तो मेरे को 15 GST मिलेंगे, और 15 का ही मैं रिपेयर कर दूंगा तो मेरा रिपेयर होके शूज पहुंच जाएगा 90 आउट ऑफ 100। अब मैंने लेवल 9 अचीव कर लिया है और मेरे पास 7 दिनों के अंदर टोटल 51 GST आ गए है, यानी कि लेवल 9 का शूज है जो कि रिपेयर होने के बाद 90 आउट ऑफ 100 पे वो बचा हुआ है। अब अगर मैं इसको अगले दिन की कैलकुलेशन लूं और 8 डे से स्टार्ट करूं, डे 8 से लेके 12 तक 5 दिन के अंदर मेरे को मिलते हैं 15x5 GST। मैं यहां पे कोई लेवल अपग्रेड नहीं करूंगा, 9 लेवल तक मैं पहुंच गया हूं, 75 GST मेरे को मिलेगा 5 दिन के अंदर 75 GST, 25 का मैं रिपेयर कर दूंगा, यानी कि 50 GST मेरा बचेगा 5 दिन के अंदर। अगले 13 तारीख से लेके 13 डे से लेके 19th डे तक मैं 15x7 दोबारा अर्निंग करूंगा, और अब मैं अर्निंग करूंगा 105 GST की, और 25 का मैं रिपेयर कर दूंगा तो 80 GST मेरे को मिल जाएंगे। डे 20 से 26 के अंदर मैं 15 GST कमाऊंगा रोज का, जैसे मैं अभी तक कमा रहा हूं रोज, 7 डेज तक मैं कमाऊंगा तो 105 GST मिलेंगे, 25 का मैं रिपेयर करूंगा 80 GST मेरे को फिर बच जाएंगे। अब इन 26 दिनों के अंदर मैंने कितना GST बचाया, पहले जो मैंने बचाया था पहले 7 डेज के अंदर वो था 51, फिर मैंने बचाया 50, फिर मैंने बचाया 80, फिर मैंने बचाया 80, टोटल है 261 GST। अब हो सकता है GST का रेट $2 हो जाए, जो कि अभी 2.30 है, तो 261 के हिसाब से मेरे को $522 आ जाएंगे, प्लस आपका स्नीकर आपके पास होगा, यानी कि अगर आप उसको बेच देते हो सेम प्राइस के ऊपर तो आपको उसके $600 मिल सकते हैं, आप 70-80% प्रॉफिट पे आ सकते हो। अगर शूज का प्राइस $2.5 होता है, जो कि अभी है नियर अबाउट, तो $652, यानी कि आपका पैसा रिकवर, प्लस आपके पास शूज है जिसको आप बेच सकते हो, या आप रेजिडुअल इनकम की तरह उसके ऊपर वॉक कंटिन्यू कर सकते हो। देन आपके पास हो सकता है स्नीकर का GST का प्राइस $3 हो जाए, $3 हो गया तो आप ऑटोमेटिकली इन 26 दिनों के अंदर 26 डे के अंदर 783, यानी कि 30% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद शूज जो कि आप 100% ऊपर के ऊपर रेट पे बेच सकते हो, तो आपको ये भी मिल जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप इन के बारे में इस वक्त, ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन वगैरह ईजी और सिंपल हो जाए। मैं अपनी स्टेप इन के अंदर मैंने उसको प्रमोट करने का एम सिर्फ यही बनाया था कि फर्स्ट एंट्री एंड फर्स्ट एग्जिट, यानी कि एग्जिट से मतलब है मैं सबसे पहले, मेरी कम्युनिटी सबसे पहले बाहर हो जाए अपना पैसा लेके। तो मैं मानता हूं कि अभी तक आप लोग बाहर हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस हमारे को 1.5 दिखाई दे, यानी कि 261, तो हो सकता है हम नियरली $400 रिकवर करें इन 26 दिनों के अंदर। तो होगा क्या, आपको
30 दिन आपने 26 दिन चले थे, आपको 15 दिन और शायद चलना पड़ जाए जिसके बाद आप रिकवरी कर जाओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन रिकवर। अगर आपका फंड जो आप लगा रहे हो उसके अंदर आपको ये रेडी हो कि आपको 30 दिन भी चलना पड़ सकता है, 50 दिन भी, 60 दिन भी, 70 दिन भी, तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, बिकॉज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट जरूर कर सकता है। अब यही कंपैरिजन मैंने किया है बीएनबी शूज का। अगर आप बीएनबी के शूज ले लेते हो, वन शू जो है वो 15 बीएनबी का मिल रहा है फिलहाल, कॉमन की मैं बात कर रहा हूँ, वॉकर की मैं बात कर रहा हूँ, 315 हमारा बीएनबी का रेट है। टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है 4725, 2 एनर्जी यानी कि 10 टाइम पे, डे 1 से 4 वही सेम 21 जीएसटी में बचाऊंगा, लेवल 9 तक ही मैं जाऊंगा, मेरा शूज हो चुका होगा 71 out of 100, डे 5 को 15 जीएसटी, डे 6 को 15 जीएसटी, ना मैं रिपेयर करूंगा ना मैं अपग्रेड करूंगा, अगले दिन भी ना मैं रिपेयर करूंगा ना मैं अपग्रेड करूंगा, अब ये 15 जीएसटी मैंने सेव कर लिए। डे 7 को 15 जीएसटी जो आए थे वो 15 के 15 मैंने अपग्रेड पे लगा दिए और अब मेरा अपग्रेड हो गया शूज 90 out of 100। डे 8 से 26 दोबारा से मैं 210 जीएसटी कमा लूंगा, लेवल 9 पे मेरा जूता पहुंच जाएगा और 100 out of 100 वो रिपेयर हो चुका होगा डे 26 तक। अब मेरे पास टोटल जीएसटी कितने बचे, दोबारा से वही 261 इन 26 डेज। अगर यही 261 शूज बचते हैं और अभी रेट बीएनबी के शूज जो जीएसटी का है उसका चल रहा है $20, तो मेरे को 26 दिनों के अंदर मेरे पास $5,220 प्लस मेरा स्नीकर जिसकी वैल्यू सेम वही है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने खरीदी थी, तो मेरे को वो मिल जाएगा मेरा स्नीकर का प्रॉफिट अगर मैं सेल करना चाहूं। अगर यही रेट $10 हो जाता है तो मेरे को मिलेगा $2610, तो हो सकता है मेरे को अगले 15 दिन और वॉक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर $15 अगर सा रेट मेंटेन रहता है, 261 अगर मेरे को टोकन आते हैं तो मैं 3915 रिकवर कर जाता हूँ 26 दिनों में, और अगर $25 रेट हो जाता है जो कि अभी चल रहा है आसपास इसके 261 से, तो मेरे पास $6,525 रिकवर हो जाते हैं इन 26 डेज। तो ये है सिंपल सी कैलकुलेशन अगर आपके पास एक ही शूज है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा फंड ज्यादा है और आप सोलाना के ऊपर जाना चाहते हो तो 9 सोल का अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आप 8 कॉमन शूज लीजिए और 1 अनकॉमन शूज लीजिए। 8 कॉमन के अंदर आपके 96 सोल लगेंगे, 12 सोल का एक जूता मैंने लगाया, 50 से मल्टीप्लाई किया तो $4,800 मेरे पॉकेट से लगे। 1 अनकॉमन शूज मैंने लिया है लेवल 28 का, 28 का लेवल यानी कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो लगभग 160 प्लस है। अगर इतना आपको शूज कोई मिलता है तो आपने 60 सोल पे स्पेंड करे तो आपके लग गए $3,000, टोटल आपका स्पेंड हो गया $7,800। अभी 160 एफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीजन इसलिए है, लिया हमने इसलिए है क्योंकि हमारे को हर मिनट का, हर वॉक के, हर एनर्जी के, हर सेशन का हमारे को मिलेगा 2.2 जीएसटी। तो 10 एनर्जी मिलेगी आपको इस अकाउंट के अंदर क्योंकि आपके यहाँ 9 शूज होंगे और आपका एक अनकॉमन होगा, तो आपको 50 टाइम्स आप पेड होंगे पर डे। Now you will walk on this uncommon shoes. आप अनकॉमन शूज को सिलेक्ट करोगे, उसके ऊपर ही वॉक करोगे। लेवल 28 का शूज है जिसकी 160 एफिशिएंसी है, डे 1 को आप बनाओगे 120 जीएसटी क्योंकि आपके पास 2.2 आएगा हर मिनट का, 100 बारी आपको 50 बारी आएगा तो आपको मिलेगा 1.20 के आसपास, नियर अबाउट 120 के आसपास या तो 110 के आसपास, और 20 रिपेयर लग जाएगा तो आपको 100 जीएसटी के आसपास बन जाएगा एक दिन का। डे 2 से डे 30 तक अगर आप चलते हो तो 2900 जीएसटी आपका बन जाएगा 30 दिनों का, 30 दिनों में आप बनाओगे 3000 जीएसटी। अब अगर प्राइस जीएसटी के टोकन का, सोलाना के टोकन का 2.5 रहता है तो आप 30 डेज के अंदर $7,500 जो आपने लगाए थे वो प्लस आपके स्नीकर्स जितने भी है वो स्नीकर्स का पैसा आप रिकवर कर जाओगे। उसके बाद अगर रेट $2 आ जाता है तो भी आप नियर अप की इन्वेस्टमेंट के आसपास 80% रिकवर कर जाओगे। अगर 1.5 हो जाता है तो आपको शायद यहां पे वॉक हो सकता है 30 की जगह 45 डेज की करनी पड़े। अगर आपका यहां पे $3 हो जाता है तो आपको $9,000 रिकवरी हो जाती है, प्लस आपको मिल जाता है आपके स्नीकर्स जो कि आपके पास ही रहेंगे। तो यहां पे आप रेडी रहिए कि आपको यहां पे वॉलिटिलिटी मिल सकती है आपको टोकन के प्राइस की। तो मैं आपको कहूंगा डेली सेल ताकि आप लोगों की एवरेज बने और एक एवरेज हो एटलीस्ट हमारी, हम $2 plus के आसपास रहे ताकि हम इस सेशन की इस जगह तक तो मेंटेन रहे। तो नाउ आई होप आप लोगों को कैलकुलेशन काफी हद तक सारी की सारी क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आप वीडियो को बहुत सारे लाइक्स, कमेंट एंड अपने रिव्यू कि आपने अभी तक कितना फंड रिकवर कर लिया है स्टेप इन के अंदर प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा।